होने से पहले ही बहुत झमेला हो गया था। इस गाल पे नहीं, डिम्पल डिम्पल गायब, डिम्पल डिम्पल गायब। क्या और लोगे? नहीं नहीं चाहिए। मैंने दादी माँ घर बिल्कुल परदादी इमेज। गाने मत सुनो। फ्रेड शायद ही कोई और फैमिली करती होगी, मैं उन जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। शुक्रिया अंकल। कोई बात नहीं। अर्नेस्टो डे ला क्रूज़ कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया और मेरी तरह। लेकिन जब वो उनके पास एक अफलातून गिटार भी था। गाना है ना भूला, चाहे तुमसे मैं जाऊं दूर रहेगा, मंजिल है रही पुकार, ना भूलना जब तक ना ना। उन्हें कुचल दिया। कभी कभी जब मतलब अगर वो गा बजा सकते हैं। प्यारे जूते चमकाने को कहा था, दुखड़ा सुनाने को। परिवार के मुंह पे बोल देता कि सुनो खून तुम्हारा हूँ, पर संगीत में ही म्यूजिक बजाता हूँ। अगर डेला क्रूज अकेले में ही झमा झम झड़ी लगा दी। देखो मुन्ना मौका खुद। मेरे घर वाले भड़क जाएंगे। क्या कहता था? मंजिल हासिल करो। तुम इधर क्या कर रहे हो? दवाइयों को क्या बोल रहा था ये बेटा? ये सिर्फ अपना गिटार फरिश्ता है, इसे तुम्हारे संगीत से मैला मत। जिगर तुम ठीक तो हो ना? चलो अभी। हजार बार नहीं 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 नहीं। आए चल भाग भाग यार। सैंडल लेकर आओ। मिगेल, दादी माँ को किसी का भी वहाँ जाना पसंद नहीं है, पता है? सबसे ज्यादा लोग आते हैं। अगर दादी ने कहा चौक पे नहीं जाना। और मैं सोच रहा था कि उसमें हिस्सा लूँ। हाँ? तुम गाओगे? आज श्रद्धांजलि दिवस है, कोई भी अब मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। पूरे साल में एक माँ इस दुनिया में आ पाएंगी, ये बात कभी मत भूलना, ताकि पूरा परिवार फिर से एक हो सके। तो आए मेरे मालिक। देखो परिवार का हिस्सा वही बनता है। उस आदमी का जिक्र भी मत करना, उसे बुलाने में ही भलाई है। नॉट आए। आराम। तुम कौन हो? मिगेल जरूर सुधरेगा। अच्छा वो डर के मारे में चिल्लाया नहीं, कोई सुन लेता तो। तुम्हारे अलावा अरे हट। सुरों को छेड़ना होगा क्योंकि संगीत मुझ में। तो गिटार बजाता हूँ। दुनिया चाहे कुछ धुने, सांस से निकलती है पर दिल मेरे दिल की। हिम्मत मत हारो। संगीत बस में करने सबसे जाया नहीं करते, उसे हासिल करते हैं। बनाए यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। तो मैं अब से ही कुछ भी हो जाए। नहीं टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मत बनाओ, पंखुड़ियाँ पूरी। उसी के बगल में रख दो। मिगेल, पता है तुम्हारी दादी माँ ने हमसे क्या? अब जूते चमकाओगे नहीं बल्कि जूते बनाओगे। और आज श्रद्धांजलि दिवस भी है। तुम्हारे दादा होलियों की तरह मोजड़ियाँ। लेकिन अगर मैं अच्छे जूते खानदान से हो और रिवेरा होते हैं। दांती नहीं। पापा, ये तो वो है। मुझे क्या बात कर रहे हो मिगेल? मैं भी एक म्यूजिशियन बनूंगा। बनने का नतीजा है इसके दिमाग पे पागलपन सवार हो गया। ये पागलपन नहीं है कि ये परिवार को छोड़ने वाला भगोड़ा था। मेरा बेटा ऐसा नहीं बनेगा। नहीं, उसका संगीत एक श्राप था। एक बार सुन तो लीजिए। बहस करना बंद करो। साथ तस्वीर रखेगा? नहीं चाहिए मुझे आपका बकवास चढ़ावा। ओ बेटा चलो मिगेल। ओ,
मुझे भी परफॉर्म करना है डेला क्रूज की तरह। आप में हो सके तो कहीं से गिटार ले आओ, फिर तुम्हारा नाम लिखूंगी। नहीं मुझे थोड़ी देर के लिए गिटार मिलेगा। तो क्या करूं? डेला क्रूज दद्दू, मुझे इसकी जरूरत है। तो जरूर समझते, आप कहते हैं कि जो दिल करता है वही चौक पे परफॉर्म करने वाला हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। वो गिटार वहाँ नहीं है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मामा, मिगेल, घर चलो। ये क्या? अरे बेटा तुम ठीक हो? लो। देखो तो, मुझे देख सकते हो? रुको, मुझे डर लग रहा है, गलती हो गई। मिगेल, 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 यहाँ कैसे? और हमें देख भी सकते हो? रोजिता दादी मासी? हाँ, ने मैं मुर्दा तो नहीं लगता, पर जिंदा। इमेल्डा दीदी, वो इस पर नहीं आ पा रही। मुझे बताओ इस सब की वजह कहीं तुम तो नहीं? चलो दी, दादी, दादी, पता नहीं यहाँ कहाँ। इस बात पे शक था? हाँ थोड़ा सा था, मुझे लगा उस पे भी यकीन हो रहा है। बेटा ऐसे घूरना अच्छी बात नहीं के हम रही। ये भटकती रूहों को राह दिखाते हैं। खुश आमदीद, कोई खास सामान लाए? आपके अफसर से सहायता जरूर मांगे। अगला पता तस्वीर रखिए, बेफिक्र होके जाइए। शुक्रिया। क्या किसने रखी है? दोस्ती हो तो ऐसी। शुक्रिया। अगला करते, हजारों ने मेरी तस्वीर रखी होगी इसलिए तुम्हारा डिब्बा बहुत। अरे तुम भी बड़ी भोली हो, मैं फ्रीडा नहीं हूँ, वो मैं दौड़ के गया, भाग गया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब तो सुधर जाओ। ठीक है ले जाओ, वैसे भी तस्वीर नहीं रखी। ओ, चलो बेटा हमारी बारी है। हेलो, श्रद्धांजलि दिवस तुम्हारी पहली पत्नी के यहाँ नहीं, मेरा परिवार हर साल चढ़ावे के साथ तस्वीर रख। ओह मेरे बच्चों, ये मुझे पुल नहीं पार करने दे, चढ़ावे तक पहुँच ही नहीं पाए। क्या कहा? मिलता दादी, ये भाई तुम्हें शराब मिला है। क्या? श्रद्धांजलि दिवस दादा का है, उस हिसाब से मेरा उस पे ना, हक ना, है। ना, हमारा को भाई सुनो, ये रूही फरिश्ता किसका है? ये तो दांते वो भी है, मुझे आँखें, इससे एलर्जी है। मैं उस पार क्यों नहीं जा सकती? वो अब चूंकि ये फैमिली मैटर है तो शराब, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। किंतु परंतु सूर्य आशीर्वाद ले लो। पंखुड़ी, पंखुड़ी कहाँ पर है? इसकी तरफ देखो और इसका नाम लो। मिगेल, आशीर्वाद दे, दूर रहो। क्या ये ऐसा नहीं कर सकती? जिसका कंकाल गायब। मेरी लाइफ है, आप तो अपनी जिंदगी जी चुके। पतली विक्टोरिया दादी, फिजूल की जिद मत चुनोगे, छोटा मत करो। बाथरूम रह गया तो वो क्या है ना कि जोर की आई है। परिवार जीते जागते लड़के को ढूंढ रहा है, म्यूजिशियन बनने के लिए म्यूजिशियन का है। वो जिंदा लड़का मिल गया। एक मिनट रुकिए बंधु। ये सुन के कितना सुकून मिला है, क्योंकि देता है
तो सुनो, अगर तुम मुझे पुल पार करा दो तो बदले में स्पीच भी ले जाऊंगा उससे मिलवाने। बस वो पुल पार करवा दो यार। मन तो करता है। कम से कम भाड़े के कपड़े तो लौटा दो। नहीं, उसको जानते हो? कौन पूछ रहा है ये? अरे तुम जिंदा हो? पर क्या? हाँ, तो तुम जिंदा लोगों की दुनिया में जा रहे हो। रहने दो, किसी खुशी हुई। ये लीजिए, देखो देखो मुझे काटता नहीं यार। यहाँ हल्का सा माथे पे ये ठीक है। लोग जिन्हें याद रखते हैं उनकी तस्वीर चढ़ावे पे रखते हैं, तो वो पुल पार करके। ये तुम हो? हाँ, तो हीरो लगता हो ना। तो एक दिक्कत है, डेला क्रूज तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, और मुझे पुल को जल्दी टपके कोई तो टपक के यहाँ भी पहुँचाओगे। सिर्फ डेला क्रूज मदद नहीं कर सकते। ये काम इतना आसान नहीं है समझे, वो बहुत ही बिजी रहता है। बस करो। वाह, अर्नेस्टो डेला क्रूज, हमें वहाँ ले जा सकते हो? तुम तो पुलिस को आगे की सीट दे रहे थे। वो हेलो महान रूहानी कुत्ता, भटकती रूहों का फरिश्ते, रूही फरिश्ते कोई भी रूप ले सकते हैं, जितने खुफिया हो वैसे कुत्ता ही है। आइए चलिए कुछ दिखाते हैं। बड़ा सा पपीता, उस पपीते में से और वो भी हम ही हैं, और उसका दूध दूध नहीं। म्यूजिक होता तो और अच्छा होता। ओ, कुछ ऐसा टाइप का म्यूजिक, तुन 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 तुन। और फिर हम अचानक आग लगा दें, डांसर्स लौटेंगे, म्यूजिक हल्का होगा, बत्तियां बने गाएंगे, सूरज उग जाएगा, सप्ताह यहाँ बजाएंगे। एक्सक्यूज मी, मिगेल अचानक आएगा, भला कोई अपनी रिहर्सल कैसे मिस कर सकता? उनको अपना दोस्त। अरे कमाल का पार्टी होता है, लेकिन वही जा सकता है जिसका नाम मेहमानों को। तुम्हें नहीं पता? अरे ये बड़ा मशहूर है। अच्छा चलो चलो, इससे पूछो। हंसा वसा नहीं था, ये सब अफवाह है, मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी। अर्नेस्टो तक पहुँचना है तो डेला क्रूज चौक के म्यूजिक कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले लो। कोई ऐसा है जो गिटार दे सकता है? वेरा का जूता है, 7 नंबर का, 7.5। आखिर ये भी कोई काम है? बेसुरा क्या समझेगा? तो हमें गिटार। जल्दी चलो मुन्ने जल्दी। कैसे हो भाइयों? क्या चीज ना वो परिवार जिससे मिल पाए, तकरीबन भुलाए जा चुके हैं। अरे मौसी जी, खाने के मूड में नहीं लगता। अरे जब मूड हो खराब तो उसका। कैसे हो चाचा जान? लेकिन बात ये है कि मुझे और मेरे दोस्त मिगेल को वैसे ही जैसे आज तक तुम मेरी वैन लौटा रहे हो। क्या मेरा मिनी? ओ, आप ठीक तो है ना? मैं मिट, तुम ही खुशी। सिर्फ आपकी तरह से पता है। कितनी सुंदर ये याद से मारे कौवे सी है मीठी जुबान, गर मैं होता बाका पुरानी यादें ताजा हो गई। तो ये दुनिया भी छोड़नी पड़ती है, हम इसे कहते हैं घर जाने के बाद उन्हें याद किया करूंगा। नहीं, तुम्हारे याद करने से कुछ नहीं, लेकिन चचा के किस्से को सुनाने वाला उस दुनिया में कोई नहीं बचा। ये बताया कि म्यूजिशियन से नफरत है, ये नहीं बताया कि तुम खुद अर्नेस्टो डेला क्रूज को सिखाया दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिशियन को। डेला क्रूज चौक पे तुम्हारा स्वागत है। टी-शर्ट्स, खिलौने, जीतने वाले को मौका मिलेगा उस्तादों के साथ उत्तरों की जंग छेड़ी जा। नहीं
नहीं नहीं वो वाला नहीं यार। पर क्यों, वो सबसे मशहूर गाना है। वही तो। अच्छा तो परफॉर्मेंस से पहले इतना ही घबराते हो क्या? पता नहीं। ये खेल नहीं है। ना ना ना, तुम्हें जीतना होगा मिगेल। तुम्हारी जिंदगी मैं भी नहीं गा पाया तो किस मुंह से खुद को एक म्यूजिशियन कहूंगा? पर घर तो जा पाओगे। ओ, इसे कहते हैं खुददारी दिखाना, वो भी एकदम गलत वक्त पे। घबराहट को झटक दो। ठंडक पड़ गई। ठीक है मिगेल, मेरी तरफ देखो। हे हे, मेरी तरफ देखो। तुम कभी अरे कहां से किसे उठा रहे हो? कहो तर मीठा समंदर, हुजूर है हुजूर। हाँ थोड़ा सा पगला माना, पहेली हूँ मैं छोटी। ताल में हो कंकाल। और तुमने भी तो दिखा दिया कमाल। नाटी कहीं है, ढूंढो उसे। अन्ना है मुझे पागल तेरी आँखों। एक नजर इस दीवाने को देखो। हम एक जिंदा लड़के को ढूंढ रहे। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। क्या पागल हो गए हो? जीती हुई बाजी छोड़ के जाओ। उसका नाम है मिगेल। आज ही अपने क्रस तुम्हारा एक लौटा रिश्तेदार है, सिर्फ वही तो मैं वापस घर भेज सकता हूँ। और देखो मुझे, मेरी यादें मिट रही हैं मिगेल। पता नहीं मैं कल सुबह तक बचूंगा भी या नहीं। पास छोड़ो मेरा हाथ। इसी में तुम्हारी भलाई तुम है। ये सब मेरे लिए नहीं, अपने। मिगेल कहाँ चले गए? बस बहुत जाओ। इसे छोड़ दो, हमारी जिंदगी संवारना चाहती हूँ और माफ करना चाहती है। क्या मुझे खुश? अब चाहे जा। आपको तो म्यूजिक से नफरत है ना? ओ दीदी, सब कुछ भुला कर गाती थी, लेकिन मुझे एक परिवार चाहिए था और उसे सिर्फ। लेकिन मुझे किसी एक को नहीं चुनना, आप मेरा देंगी। तारा पाजी, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। स्टेज पे आग लगा दी। आपने भी वैसे म्यूजिक के नाम पे। आई हो। थैंक्स दोस्तों। जाओ। देखो वो रहा अर्नेस्टो। चला कुछ दत्तू। दत्तू सुनिए। उसे हासिल करना चाहिए। मत मत हारो। सुनो ना मेहरबानो, मेरे पीछे आई है इतनी खुशियाँ। मेरे गीत में मेरे अपने मेरी दुनिया। तुम ठीक तो हो ना बच्चे? से यहाँ आए हो आप? मेरे बारे में जानते हैं? यार मैं आपका पर पोता हूँ। क्या की तरह बाकी परिवार वालों को मैं चाहकर भी नहीं रोक सकता। देखो ये तो ए तुलसी कांत, न्यारे लाल इससे मिलो। ये डिंपल गायब। डिंपल गायब दोस्ती की खातिर करता था। ना भूल। इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं कि रखने की जगह कम पड़ती है। कि मैंने हमेशा आप जैसा बनने का सपना देखा है, ये सब कुछ छोड़ने के फैसले पे। फैसला मुझ पर और कोई राज। मेरी तरह म्यूजिशियन ही बनोगे, रिश्ता पूरी दुनिया से है। ओ, ओ, ओ।
ही मेरे साथ शो पे चलो, तुम ही बनोगे मेरे शो के चीफ गेस्ट। सच के? पहले वापस जाना होगा। ओहो वाकई, तुम्हारा घर जाने का दिल तो नहीं कर रहा मिगेल, उम्मीद है तुम यहाँ जल्द आओगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता। तुम वादा तोड़ रहे हो, तुमने कहा था मेरी तस्वीर ले जाओगे, तुमने वादा किया था। हेक्टर मेहरबानी करो, मेरे वजह से तुम मशहूर हुए। क्या? मेरी यादें इसलिए मिट रही हैं क्योंकि तुमने किसी को बताया। ये सब मुझसे हालात ने करवाया, हम दोनों की जोड़ी बेमिसाल। कलाकार का नाम मिटा के ये वाकई मिलकर तस्वीर रख देगा और मैं पुल को पार कर पाऊंगा अपनी बेटी से। और तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए जमीन और आसमान एक कर सकते हो। जॉन हिडाल्गो का डायलॉग है डेला क्रूज के पिक्चर में। दोस्त अपनी दोस्ती के नाम दोस्ती की खातिर। घर की याद आई तो गानों का सिलसिला रोक दिया। तुम्हारे गानों के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं घर जा रहा हूँ अर्नेस्टो। नहीं सकता, अगर जाना ही है तो मेरे साथ, मेरे जमीन और आसमान एक कर सकता हूँ मेरे दोस्त। चीयर्स। अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा, मुझे लगा कुछ खाने की वजह से हो रहा। आंखें खुली तो यहाँ था, हुआ था पर हकीकत में नहीं। हेक्टर आज तक मुझे यही लगता। आस्तीन के साथ ले जाओ इसे यहाँ से। मुझे माफ कर दो बच्चे। तो हम मिगेल नाम और इस... आपने गानों के लिए हेक्टर को मार दिया, सब जानते हैं आप तो असली हीरो हैं। मेरा आशीर्वाद। लेकिन मैं आपका पोता हूँ। और हेक्टर मेरा जिगरी दोस्त। बस मंजिल हासिल करो और तुम तो ये देख। नहीं, नहीं। बचाओ, मुझे अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए था। सबने समझाया था कि बेकार चढ़ावे की जरूरत नहीं। शांत हो जाओ मिगेल। मेरी बेटी। तो मुझे सेंटा सिसिलिया छोड़ के जाना ही नहीं। कोशिश कर रहे थे कि वो उसे दिलो जान से चाहते। कोको दादी कोको है और ये पर दादी इमेल्डा। हम दोनों एक ही परिवार से। ये तस्वीर रखेगी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस दुनिया में मैं ले लूंगा उसे, अपने सीने से लगा लूंगा। आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे। और मैंने उसके लिए गाना लिखा था हर, अगर किसी तरह उसके लिए गाने का मौका मिल जाए। ना कहना होगा अलविदा, चाहे तुमसे मैं जाऊं दूर, टेका जब ये हाथ ना भूलना, पर को मेरी जाना ना भूलना। डेला क्रूज को नहीं, मैंने वो गाना दुनिया वालों के लिए नहीं का नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं आप, कब से परेशान था कि मैं एक खूनी का सबसे अलग है, पर पता नहीं था वो मुझ में आई कैसे। मुझे नाज है मैं इनका पोता हूँ। और मुझे नाज है कि मैं इसका दादा हूँ। दुबली लग रही हो। मैं हुई फरिश्ता, तुम हो। डांटे। मेरा बच्चा। मैं जा रही थी, अच्छा हुआ वक्त पे तुम मिल गए। और मैं ना परलोक में बरसों तक परिवार पे तुम्हारी करतूतों का असर पड़ने नहीं। वहाँ मेरी वजह से पहुँचे, वो तो मुझे घर जाने को कह रहे था। मुझे आपका आशीर्वाद मंजूर है ताकि वो कोको दादी से मिले। दादू की भी तस्वीर लगनी चाहिए वो परिवार। ये सच है ये मेरा, ये सच है तो क्या।
दद्दू भूल के लिए माफी मत दो। अतिथि हेक्टर चाहती थी कि कोको मुझे माफ कर देना इमेल्डा। तो तुम सीधे घर जाओगे लेकिन गाना बजाना बंद। तुम्हें माफ नहीं कर सकती मुझे। मेरे पास एक आइडिया है। अपना ख्याल रखना। थैंक्स। लाओ मैं मदद कर देता हूँ। मुझे हाथ मत। अब पता करते हैं कहाँ है पोता खून करने के लिए। किसकी बात कर रही हो? ये मेरी मारने की कोशिश करने के लिए। कौन सा पोता? ये मेरी बात कर रही है। तुम पीछे गलती हो गई हो। मैंने भी सुना था। चलो जल्दी करो। कहो ना मेरी जान मुझको ना कहो चाहे जा ही रहे ना जीना नहीं वही अंदाज है। और वापस जाओ हम दोनों की तस्वीरें रखो। हमारा परिवार तुम्हें बे इंतहा चाहता है। नहीं नहीं जाएगा। इमेल्डा पीछे रहो। अर्नेस्टो रुक जाओ। जो इसे तुम्हारी तस्वीर के साथ जिंदा लोगों की दुनिया में जाने दो। तुम्हारी याद फेमस म्यूजिशियन है। तुम वो हो जिन्होंने उनका खून कर के उनके गाने चुराए। नहीं Orchestra, a one, a two, a one. देखो। तस्वीर ढूंढता हूँ। लाने का वादा किया था। दोनों का वक्त खत्म हो गया। दादू अब तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। मुझे कोको दादी के पास जाने दो प्लीज। ये गिटार कहाँ से लाए? मुझे सुन रही है ना? मैं मिगेल हूँ। तो वो मिट जाएंगे हमेशा के लिए। देखिए ये वही है। कोको दादी प्लीज उन्हें मत भूलिए। सब ठीक है। इतने बदतमीज कब से हो गए हो? अब हम सब साथ हैं। इससे ज्यादा और क्या। माफी मांगो। मांगो माफी। माँ रुको। ना भूलना ना साथ गाओ ये गीत। मन से है रही ये समझ ना पास हो तब तक ना भूल। नहीं मेरे पापा मेरे लिए ये करते थे। लिखी कविताएं भी और
संगीतकार थे। जब मैं बहुत और इस तरफ है सांता सिसिलिया का बेशकीमती खजाना। ये सारे चहीते गानों के बोल मिलेंगे ना भूलना के अलावा और भी। दादी और विक्टोरिया दादी और वो दोनों हैं दादा ऑस्कर और जो साथ हुआ पूरा संगीत रग रग झंझनाए ताल ऐसी कोई इस दिल की धुन गुजेगी चारों इस दिल की धुन गुजेगी चारों छूटेगी ना ये गीतों की डोर संग हम गाएंगे अपना रुकेंगे साथ इस दिल की धुन गुजेगी। तो क्या और लोगे? नहीं नहीं चाहिए। मैंने दादी माँ घर बिल्कुल पर दादी इमेज गाने मत सुनो। फ्रेड शायद ही कोई और फैमिली करती होगी। मैं उन जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। शुक्रिया अंकल। कोई बात नहीं। और नेस्टो डेला क्रूज कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया और मेरी तरह। लेकिन जब वो उनके पास एक अफलातून गिटार भी था। गाना है ना भूला चाहे तुमसे मैं जाऊं दूर रहेगा मंजिल है रही पुकार ना भूलना जब तक ना ना उन्हें कुचल दिया। कभी कभी जब मतलब अगर वो गा बजा सकते हैं प्यारे जूते चमकाने को कहा था दुखड़ा सुनाने को परिवार के मुंह पे बोल देता कि सुनो खून तुम्हारा हूँ पर संगीत मैं ही म्यूजिक बजाता हूँ। अगर डेला क्रूज अकेले में ही झमा झम झड़ी लगा दी देखो मुन्ना मौका खुद मेरे घर वाले भड़क जाएंगे। क्या कहता था मंजिल हासिल करो। तुम इधर क्या कर रहे हो दवाइयों को क्या बोल रहा था ये बेटा ये सिर्फ अपना गिटार फरिश्ता है इसे तुम्हारे संगीत से मैला मत जिगर। ओ तुम ठीक तो हो ना चलो अभी हजार बार नहीं 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 आए चल भाग भाग ये सैंडल लेकर मिगेल। दादी माँ को किसी का भी वहाँ जाना पसंद नहीं है पता है? सबसे ज्यादा लोग आते हैं। अगर दादी ने कहा चौक पे नहीं जाना और मैं सोच रहा था कि उसमें हिस्सा लूँ। हाँ तुम गाओगे? आज श्रद्धांजलि दिवस है कोई भी अब मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। पूरे साल में एक आत्मा इस दुनिया में आ पाएंगी ये बात कभी मत भूलना ताकि पूरा परिवार फिर से एक हो सके। तो आए मेरे मालिक देखो परिवार का हिस्सा वही बनता है। उस आदमी का जिक्र भी मत करना उसे बुलाने में ही भलाई है। लेकिन आप आए तुम कौन हो मिगेल जरूर सुधरेगा। अच्छा वो डर के हमारे में चिल्लाया नहीं कोई सुन लेता तो तुम्हारे अलावा अरे हट सुरों को छेड़ना होगा क्योंकि संगीत मुझ में तो गिटार बजाता हूँ दुनिया चाहे कुछ धुने सांस से निकलती है पर दिल मेरे दिल की हिम्मत मत हारो जाया नहीं करते उसे हासिल करते हैं बनाया यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता तो मैं अब से ही कुछ भी हो जाए नहीं टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मत बनाओ पंखुड़ियाँ पूर्व उसी के बगल में रख दो मैं Miguel?
पता है तुम्हारी दादी माँ ने हमसे क्या? अब जूते चमकाओगे नहीं बल्कि जूते बनाओगे। और आज श्रद्धांजलि दिवस भी है तुम्हारे दादा होलियों की तरह मोजड़ियाँ। लेकिन अगर मैं अच्छे जूते खानदान से हो और रिवेरा होते हैं दांती नहीं पापा, ये तो वो है मुझे। क्या बात कर रहे हो मिगेल? मैं भी एक म्यूजिशियन बनूंगा। आने का नतीजा इसके दिमाग पे पागलपन सवार हो गया। ये पागलपन नहीं है कि ये परिवार को छोड़ने वाला भगोड़ा था। मेरा बेटा ऐसा नहीं बनेगा। अकेले ही बना हूँ। नहीं, उसका संगीत एक श्राप था। एक बार सुन तो लीजिए। बहस करना बंद करो। साथ तस्वीर रखेगा। नहीं चाहिए मुझे आपका बकवास चढ़ावा। ओ बेटा चलो मिगेल। मुझे भी परफॉर्म करना है डेला क्रूज की तरह। आप में हो सके तो कहीं से गिटार ले आओ फिर तुम्हारा नाम लिख दूंगी। नहीं मुझे थोड़ी देर के लिए गिटार मिलेगा तो क्या करूं? डेला क्रूज दद्दू जिसकी जरूरत है तो जरूर समझते। आप कहते हैं कि जो दिल करता है वही चौक पे परफॉर्म करने वाला हूँ बिल्कुल आपकी तरह। वो गिटार वहाँ नहीं है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मम्मा मिगेल घर चलो। ये क्या? अरे बेटा तुम ठीक हो? लो देखो तो मुझे देख सकते हो। रुको मुझे डर लग रहा है गलती हो गई। मिगेल 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 यहाँ कैसे और हमें देख भी सकते हो? रोजिता दादी मासी। हाँ उतने में मुर्दा तो नहीं लगता पर जिंदा। इमेल्डा दीदी वो इस बार नहीं आ पा रही। मुझे बताओ इस सब की वजह कहीं तुम तो नहीं? चलो दादी दादी पता नहीं यहाँ कहाँ। बात पे शक था? हाँ थोड़ा सा था मुझे लगा उस पे भी यकीन हो रहा है। बेटा ऐसे घूरना अच्छी बात नहीं के हम रही। ये भटकती रूहों को राह दिखाते हैं। खुश आमदीद। कोई खास सामान लाए? आपके अफसर से सहायता जरूर मांगे। अगला पड़ा तस्वीर रखिए बेफिक्र होके जाइए। शुक्रिया। क्या डेंटिस्ट ने रखी है? दोस्ती हो तो ऐसी। शुक्रिया। अभी करते हजारों ने मेरी तस्वीर रखी होगी इसलिए तुम्हारा डिब्बा बहुत। अरे तुम भी बड़ी भोली हो। मैं फ्रीडा नहीं हूँ वो मैं दौड़ के गया भाग गया किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब तो सुधर जाओ। ठीक है ले जाओ वैसे भी तस्वीर नहीं रखी। ओ, चलो बेटा हमारी बारी है। लो श्रद्धांजलि दिवस तुम्हारी पहली पत्नी के यहाँ नहीं। मेरा परिवार हर साल चढ़ावे के साथ तस्वीर रख। ओह मेरे बच्चों ये मुझे पुल नहीं पार करने दे। चढ़ावे तक पहुँच ही नहीं पाए। क्या कहा? मिलता दादी
ये भाई तुम्हें शराब मिला है। क्या श्रद्धांजलि दिवस का है, उस हिसाब से मेरा उस पे ना, हाँ ना, है। ना, 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 हमारा को भाई सुनो, ये रूही फरिश्ता किसका है? ये तो दांते वो भी है, मुझे आँखें, इससे एलर्जी है कि मैं उस पार क्यों नहीं जा सकती। वो अब चूंकि ये फैमिली मैटर है तो शराब और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, किंतु परंतु सूरज आशीर्वाद ले लो। पंखुड़ी पंखुड़ी कहाँ पर है? इसकी तरफ देखो और इसका नाम लो मिगेल। आशीर्वाद देते दूर रहो। क्या ये ऐसा नहीं कर सकती? जिसका कंकाल गायब। मेरी लाइफ है, आप तो अपनी जिंदगी जी चुके। पतली विक्टोरिया दादी, फिजूल की जिद मत पूछोगे, छोटा मत करो। बाथरूम ढक गया तो वो क्या है ना कि जोर की आई है। परिवार जीते जागते लड़के को ढूंढ रहा है। म्यूजिशियन बनने के लिए म्यूजिशियन का है। अरे वो जिंदा लड़का मिल गया। एक मिनट बंधु, ये सुन के कितना सुकून मिला है क्योंकि देता है। तो सुनो, अगर तुम मुझे पुल पार करा दो तो बदले में स्टीच भी ले जाऊंगा उसे मिलवाने। बस वो पुल पार करवा दो यार। मन तो करता है कम से कम भाड़े के कपड़े तो लौटा दो। नहीं उसको जानते हो? कौन पूछ रहा है ये? अरे तुम जिंदा हो? पर क्या? हाँ तो तुम जिंदा लोगों की दुनिया में जा रहे हो। किसी खुशी में ये लीजिए। देखो देखो मुझे काटा नहीं यार। यहाँ हल्का सा माथे पे ये ठीक है, ठीक है। लोग जिन्हें याद रखते हैं उनकी तस्वीर चढ़ावे पे रखते हैं, तो वो पुल पार करके ये तुम हो? हाँ तो हीरो लगता हो ना। तो एक दिक्कत है, डेला क्रूज तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और मुझे पूल को जल्दी टपक के कोई तो टपक के यहाँ भी पहुंचाओगा। सिर्फ डेला क्रूज मदद नहीं कर सकता। ये काम इतना आसान नहीं है समझे, वो बहुत ही बिजी रहता है। बस करो। वाह, अर्नेस्टो डेला क्रूज हमें वहाँ ले जा सकते हो? तुम तो पुलिस को आगे की सीट दे रहे थे। वो हेलो महान रूहानी कुत्ता, भटकती रूहों का फरिश्ते, रूही फरिश्ते कोई भी रूप ले सकते हैं, जितने खुफिया हो वैसे कुत्ता ही है। आइए चलिए कुछ दिखाते हैं। बड़ा सा पपीता, उस पपीते में से और वो भी हम ही हैं, और उसका दूध दूध नहीं। म्यूजिक होता तो और अच्छा होता। ओ कुछ ऐसा टाइप का म्यूजिक, तुन 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 तुन। और फिर हम अचानक आग लगा दें, डांसर्स लौटेंगे, म्यूजिक हल्का होगा, बत्तियां बनी गाएंगे, सूरज उग जाएगा, सब तारियां बजाएंगे। एक्सक्यूज मी मिगेल, अचानक कहीं का भला कोई अपनी रिहर्सल कैसे मिस कर सकता? उनको अपना दोस्त है। अरे कमाल का पार्टी होता है, लेकिन वही जा सकता है जिसका नाम मेहमानों का। तुम्हें नहीं पता? अरे ये बड़ा मशहूर है। अच्छा चलो चलो इससे पूछो। हंसा वसा नहीं था, ये सब अफवाह है, मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी। अर्नेस्टो तक पहुँचना है तो डेला क्रूज चौक के म्यूजिक कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले लो। कोई ऐसा है जो गिटार दे सकता है? वेरा का जूता है, 7 नंबर का, 7.5। आखिर ये भी कोई काम? ये बेसुरा क्या समझेगा? तो हमें गिटार। जल्दी चलो मुन्ने जल्दी। हे, कैसे हो भाइयों? अरे हेक्टर, क्या चीर ना वो परिवार जिससे मिल पाए तकरीबन भुलाए जा चुके हैं। अरे मौसी जी, खाने के मूड में नहीं लगता। अरे जब मूड हो खराब तो उसका कैसे हो चाचा जान फिर? लेकिन बात ये है कि मुझे और मेरे दोस्त मिगेल को वैसे ही जैसे आज तक तुम मेरी वैन लौटा रहे हो। क्या मेरा मिनी? ओ आप ठीक तो है ना? मैं मिट तुम ही खुशी। सिर्फ आपकी तरह से पता है
इतनी सुंदर याद से मारे कौवे सी है मीठी जुबान गर मैं होता बाका पुरानी यादें ताजा हो गई तो ये दुनिया भी छोड़नी पड़ती है हम इसे कहते हैं घर जाने के बाद उन्हें याद किया करूंगा नहीं तुम्हारे याद करने से कुछ नहीं लेकिन चच्चा के किस्से को सुनाने वाला उस दुनिया में कोई नहीं बचा ये बताया कि म्यूजिशियन से नफरत है ये नहीं बताया कि तुम खुद अर्नेस्टो डे ला क्रूज को सिखाया दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिशियन को डे ला क्रूज चौक पे तुम्हारा स्वागत है ले लो टी शर्ट खिलौने जीतने वाले को मौका मिलेगा उस्तादों के साथ उत्तरों की जंग छेड़ी जा नहीं नहीं वो वाला नहीं यार पर क्यों वो सबसे मशहूर गाना वही है वही तो अच्छा तो परफॉर्मेंस से पहले इतना ही घबराते हो क्या पता नहीं ये खेल नहीं है ना 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 तुम्हें जीतना होगा मिगेल तुम्हारी जिंदगी मैं भी नहीं गा पाया तो किस मुंह से खुद को एक म्यूजिशियन कहूंगा पर घर तो जा पाओगे ओह इसे कहते हैं खुददारी दिखाना वो भी एकदम गलत वक्त पे घबराहट को झटक दो ठंडक पड़ गई ठीक है मिगेल मेरी तरफ देखो हे हे मेरी तरफ देखो तुम कभी अरे बाबा ये अरे कहां से किसे उठा लाए हो कहो तारे मीठा समंदर हुजूर है हुजूर आहा थोड़ा सा पगला माना पहेली हूँ मैं छोटी ताल में हो कंकाल और तुमने भी तो दिखा दिया कमाल कहीं कहीं है ढूंढो उसे अंधा है मुझे पागल तेरी आंखों एक नजर इस दीवाने को देखो हम एक जिंदा लड़के को ढूंढ रहे थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा पागल हो गए हो जीती हुई बाजी छोड़ के जा उसका नाम है मिगेल आज ही अपने क्रूज तुम्हारा एक लौटा रिश्तेदार सिर्फ वही तो मैं वापस घर भेज सकता है मेरे और देखो मुझे मेरी यादें मिट रही हैं मिगेल पता नहीं मैं कल सुबह तक बचूंगा भी या नहीं पास छोड़ो मेरा हाथ इसी में तुम्हारी भलाई तुम है तुम ये सब मेरे लिए नहीं अपने मिगेल कहाँ चले गए अब चाहे जा आपको तो म्यूजिक से नफरत है ना ओ दीदी सब कुछ भुला कर गाती थी लेकिन मुझे एक परिवार चाहिए था और उसे सिर्फ लेकिन मुझे किसी एक को नहीं चुनना आप मेरा देंगी तारा पाजी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ नहीं पे आग लगा दी आपने भी वैसे म्यूजिक के नाम पे आई हो थैंक्स दोस्तों जाओ देखो वो रहा अर्नेस्टो उसे हासिल करना चाहिए मत मत हारो सुनो ना
खुशियाँ, मेरे गीत में मेरे अपने मेरी दुनिया। बोली हो तुम ठीक तो हो ना बच्चे? यहाँ आए हो आप, मेरे बारे में जानते हैं? यार मैं आपका पर पोता हूँ। क्या की तरह बाकी परिवार वालों को इस... मैं चाहकर भी नहीं रोक सकता। देखो ये तो ए तुलसीकांत, न्यारे लाल, इससे मिलो। ये डिंपल गायब, डिंपल गायब। दोस्ती की खातिर करता था। कहना होगा भूल। इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं कि रखने की जगह कम पड़ती है। कि मैंने हमेशा आप जैसा बनने का सपना देखा है, ये सब कुछ छोड़ने के फैसले पे। फैसला मुझ हाँ, पर और कोई रास्ता? मेरी तरह म्यूजिशियन ही बनोगे, रिश्ता पूरी दुनिया से है। भी मेरे साथ शो पे चलो, तुम ही बनोगे मेरे शो के चीफ गेस्ट। सच के? से पहले वापस जाना होगा। ओहो वाकई, तुम्हारा घर जाने का दिल तो नहीं कर रहा मिगेल। उम्मीद है तुम यहाँ जल्द आओगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता। तुम वादा तोड़ रहे हो। तुमने कहा था मेरी तस्वीर ले जाओगे, तुमने वादा किया था। हेक्टर मेहरबानी करो, मेरे वजह से तुम मशहूर हुए। क्या? मेरी यादें इसलिए मिट रही हैं क्योंकि तुमने किसी को बताया। ये सब मुझसे हालात ने करवाया, हम दोनों की जोड़ी बेमिसाल। ओ, कलाकार का नाम मिटा के ये वाकई मिलके का तस्वीर रख देगा और मैं पुल को पार कर पाऊंगा अपनी बेटी से। और तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए जमीन और आसमान एक कर सकते हो। जॉन हिडाल्गो का डायलॉग है डेला क्रूज की पिक्चर में। दोस्त एक जाम, अपनी दोस्ती के नाम। दोस्ती की खातिर। घर की याद आई तो गानों का सिलसिला रोक दिया। तुम्हारे गानों के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं घर जा रहा हूँ अर्नेस्टो। नहीं सकता, अगर जाना ही है तो मेरे साथ, मेरे जमीन और आसमान एक कर सकता हूँ मेरे दोस्त। चीयर्स। अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा, मुझे लगा कुछ खाने की वजह से हो रहा। आंखें खोली तो यहाँ था, हुआ था पर हकीकत में नहीं। हेक्टर आज तक मुझे यही लगता। ले जाओ इसे यहाँ से, मुझे माफ कर दो बच्चे। तो हम मिगेल नाम और इस... आपने गानों के लिए हेक्टर को मार दिया, सब जानते हैं आप तो असली हीरो हैं। मेरा आशीर्वाद। लेकिन मैं आपका पोता हूँ। और हेक्टर मेरा जिगरी दोस्त। बस मंजिल हासिल करो और तुम तो ये देख। नहीं, परिवार के पास लौट जाना चाहिए था। सबने समझाया था कि बेकार चढ़ावे की जरूरत नहीं। शांत हो जाओ मिगेल। मेरी बेटी तो मुझे सेंटा सिसिलिया छोड़ के जाना ही नहीं। कोशिश कर रहे थे कि वो उसे दिलो जान से चाहते। कोको दादी कोको है और ये पर दादी एमेल्डा। हम दोनों एक ही परिवार से। ये तस्वीर रखेगी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस दुनिया में मैं ले लूंगा उसे, अपने सीने से लगा लूंगा। आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे। और मैंने उसके लिए गाना लिखा था। हर अगर किसी तरह उसके लिए गाने का मौका मिल जाए ना, कहना होगा अलविदा, चाहे तुमसे मैं जाऊं दूर, टेका जब ये हाथ ना भूलना, पर क्यों मेरी जाना ना भूलना। डेला क्रूज को नहीं, मैंने वो गाना दुनिया वालों के लिए नहीं का नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं आप? कब से परेशान था कि मैं एक खूनी का सबसे अलग है, पर पता नहीं था वो मुझ में आई कैसे। तुम
मुझे नाज है मैं इनका पोता हूँ और मुझे नाज है कि मैं इसका दादा हूँ। दुबली लग रही हो। मैं हुई फरिश्ता तुम हो। अच्छा हुआ वक्त पे तुम मिल गए और मैं ना परलोक में बरसों तक परिवार पे तुम्हारी करतूतों का असर पड़ने नहीं। मेरी वजह से पहुँचे, वो तो मुझे घर जाने को कह रहे था। मुझे आपका आशीर्वाद मंजूर है ताकि वो कोको दादी से मिले। ददू की भी तस्वीर लगनी चाहिए वो परिवार। ये सच है इमेल्डा? ये सच है तो क्या ददू? भूल के लिए माफी मत दो। थी हेक्टर, चाहती थी कि कोको मुझे माफ कर देना इमेल्डा। तो तुम सीधे घर जाओगी लेकिन गाना बजाना बंद। तुम्हें माफ नहीं कर सकती मुझे। मेरे पास एक आइडिया है। अपना ख्याल रखना। थैंक्स। लाओ मैं मदद कर देता हूँ। मुझे हाथ मत। अब पता करते हैं कहाँ है बद का खून करने के लिए। किसकी बात कर रही हूँ? ये मेरी वो मारने की कोशिश करने के लिए। कौन सा पोता? ये मेरी बात कर रही है। तुम पीछे गलती हो गई हो। मैंने भी सुना था। कहो ना मेरी जान मुझे। कहो ना, कहो चाहे जा ही रहे ना, जीना नहीं करते मैं जा कोई और रही ना, चाहू दीदार। कहो ना, कहो ना, कहो ना मेरी तेरे, अब मेरी जान चैन तेरे। अरे वापस जाओ, हम दोनों की तस्वीरें रखो, हमारा परिवार तुम्हें बेइंतहा चाहता है। नहीं नहीं जाएगा। इमेल्डा पीछे रहो। अर्नेस्टो रुक जाओ। जो इसे तुम्हारी तस्वीर के साथ जिंदा लोगों की दुनिया में जाने दूं। तुम्हारी याद फेमस म्यूजिशियन है। तुम वो हो जिन्होंने उनका खून करके उनके गाने चुराए। Orchestra, a one, a two, a one. देखो। तस्वीर ढूंढता हूँ, लाने का वादा किया था। दोनों का वक्त खत्म हो गया। दादू हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। नहीं। हो रहा मिगेल, मुझे कोको दादी के पास जाने।
बेटा कहाँ से लाए? मुझे सुन रही है ना? मैं मिगेल हूँ, तो वो मिट जाएंगे हमेशा के लिए। देखिए ये वही है कोको दादी, प्लीज उन्हें मत भूलिए। सब ठीक है। इतने बदतमीज कब से हो गए हो? अब हम सब साथ हैं, इससे ज्यादा और क्या। माफी मांगो, मांगो माफी। माँ रुको। ना भूलना ना साथ, गाओ ये गीत, मंजिल है रही ये समझ ना पास हो तब तक। मेरे पापा मेरे लिए ये प्यार करते थे। मेरे लिए लिखी कविताएं भी और पापा संगीतकार थे। जब मैं बहुत और इस तरफ है सांता सिसिलिया का बेशकीमती खजाना। ये सारे चहीते गानों के बोल मिलेंगे ना भूलना के अलावा। और दादी और विक्टोरिया दादी और वो दोनों हैं दादा ऑस्कर और झमेला हो गया था। वो म्यूजिशियन थे, उनके साथ पूरा परिवार ना भी था, दुनिया तक अपना म्यूजिक पहुंचा। उन्होंने गिटार उठाया और चल दिए। मम्मी अकेली हर तरह का नाता तोड़ने के बाद आमी और जूते बनाने का काम सीखा, या पटाखे बनाना या पहलवानों की चमक। फिर वो काम अपनी बेटी को सिखाया। जैसे जैसे परिवार बढ़ा आबाद किया। देखिए गई, लेकिन हमारी फैमिली हर साल उनकी है। मेरी पर दादी कोको है, दादी कोको उन्हें बताता। पर स्पीड बढ़ाने के लिए मैं सिर्फ फास्ट फास्ट दौड़ के गाल पे नहीं, डिम्बल डिम्बल गाया, डिम्बल डिम्बल गाया। तो क्या और लोगे? नहीं नहीं चाहिए। मैंने दादी माँ घर बिल्कुल पर दादी इमेज। गाने मत सुनो, शायद ही कोई और फैमिली करती होगी। मैं उन जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। शुक्रिया अंकल। कोई बात नहीं। और नेस्टो डेला क्रूज कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया और मेरी तरह। लेकिन जब वो उनके पास एक अफलातून गिटार भी था। गाना है ना भूला, चाहे तुमसे मैं जाऊं दूर रहेगा, मंजिल है रही पुकार ना भूलना, जब तक ना ना। उन्हें कुचल दिया। कभी कभी जो मतलब अगर वो गा बजा सकते हैं। प्यारे जूते चमकाने को कहा था, दुखड़ा सुनाने को। परिवार के मुंह पे बोल देता कि सुनो खून तुम्हारा हूँ पर संगीत का। मैं ही म्यूजिक बजाता हूँ। अगर डेला क्रूज अकेले में ही झमाझम झड़ी लगा दी। देखो मुन्ना मौका खुद। मेरे घर वाले भड़क जाएंगे। क्या कहता था? मंजिल हासिल करो। तुम इधर क्या कर रहे हो? दवाइयों को क्या बोल रहा था ये बेटा? ये सिर्फ अपना गिटार फरिश्ता है, इसे तुम्हारे संगीत से मैला मत। जिगर, ओ तुम ठीक तो ना? चलो अभी। हजार बार नहीं 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 नहीं। आई चल भाग भाग, ये सैंडल लेकर।
अबिगेल। दादी माँ को किसी का भी वहाँ जाना पसंद नहीं है, पता है? सबसे ज्यादा लोग आते हैं। अगर दादी ने कहा चौक पे नहीं जाना, और मैं सोच रहा था कि उसमें हिस्सा लूँ। हाँ? चमकाओगे। आज श्रद्धांजलि दिवस है, कोई भी अब मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। पूरे साल में एक आत्मा इस दुनिया में आ पाएंगी, ये बात कभी मत भूलना, ताकि पूरा परिवार फिर से एक हो सके। तो आए मेरे मालिक, देखो परिवार का हिस्सा वही बनता है। उस आदमी का जिक्र भी मत करना, उसे बुलाने में ही बुलाई है। तुम कौन हो? मिगेल जरूर सुधरेगा। अच्छा वो डर के मारे में चिल्लाया नहीं, कोई सुन लेता तो? तुम्हारे अलावा। अरे हट। होगा सुरों को छेड़ना होगा, क्योंकि संगीत मुझ में। तो गिटार बजाता हूँ, दुनिया चाहे कुछ। धुने सांस से निकलती है, पर दिल हिम्मत मत हारो। जाया नहीं करते, उसे हासिल करते हैं। मनाए यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। तो मैं अब से ही कुछ भी हो जाए। नहीं, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मत बनाओ। पंखुड़ियाँ बोल, उसी के बगल में रख दो। मैं पता है तुम्हारी दादी माँ ने हमसे क्या? अब जूते चमकाओगे नहीं, बल्कि जूते बनाओगे। बनाएगा। और आज श्रद्धांजलि दिवस भी है। तुम्हारे दादा होलियों की तरह मोजड़ियाँ। लेकिन अगर मैं अच्छे जूते खानदान से हो और रिवेरा होते हैं। दांते! नहीं। हाँ? पापा, 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 ये तो वो है। मुझे क्या बात कर रहे हो मिगेल? मैं भी एक म्यूजिशियन बनूंगा। आने का नतीजा इसके दिमाग पे पागलपन सवार हो ये गया। पागलपन नहीं है कि ये परिवार को छोड़ने वाला भगोड़ा था। मेरा बेटा ऐसा नहीं बनेगा। नहीं, उसका संगीत एक श्राप था। एक बार सुन तो लीजिए। बहस करना बंद करो। साथ तस्वीर रखेगा। नहीं चाहिए मुझे आपका बकवास चढ़ावा। ओ बेटा चलो उस निकल। मुझे भी परफॉर्म करना है डेला क्रूज की तरह। आप में हो सके तो कहीं से गिटार ले आओ, फिर तुम्हारा नाम लिखूंगी। नहीं मुझे थोड़ी देर के लिए गिटार मिलेगा। तो क्या करूं? डेला क्रूज दद्दू, जी इसकी जरूरत है तो जरूर समझते। आप कहते हैं कि जो दिल करता है वही चौक पे परफॉर्म करने वाला हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। वो गिटार वहाँ नहीं है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मामा, मिगेल घर चलो। ये क्या? अरे बेटा तुम ठीक हो? लो। देखो तो मुझे देख सकते हो? रुको मुझे डर लग रहा है, गलती हो गई। मिगेल, मिगेल, मिगेल यहाँ कैसे? और हमें देख भी सकते हो? रोजिता दादी मासी। हाँ
उठने में मुर्दा तो नहीं लगता पर जिंदा। इमेल्डा दीदी वो इस पर नहीं आ पा रही। मुझे बताओ इस सब की वजह कहीं तुम तो नहीं? चलो दी, दादी, दादी। पता नहीं यहाँ कहाँ। इस बात पे शक था? हाँ थोड़ा सा था, मुझे लगा उस पे भी यकीन हो रहा है। बेटा ऐसे घूरना अच्छी बात नहीं। के हम रही ये भटकती रूहों को राह दिखाते हैं। खुश आमदी। कोई खास सामान लाए? आपके अफसर से सहायता जरूर मांगे। अगला पड़ा तस्वीर रखिए, बेफिक्र होके जाइए। शुक्रिया। क्या डेंटिस्ट ने रखी है? दोस्ती हो तो ऐसी। शुक्रिया। अभी करते हजारों ने मेरी तस्वीर रखी होगी इसलिए तुम्हारा डिब्बा बहुत। अरे तुम भी बड़ी भोली हो। मैं फ्रीडा नहीं हूँ, वो मैं दौड़ के गया, भाग गया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पहुंच गया। अब तो सुधर जाओ। ठीक है ले जाओ। वैसे भी तस्वीर नहीं रखी। ओ, चलो बेटा हमारी बारी है। हेलो श्रद्धांजलि दिवस तुम्हारी पहली पत्नी के यहाँ नहीं। मेरा परिवार हर साल चढ़ावे के साथ तस्वीर रख। ओह मेरे बच्चों, ये मुझे पुल नहीं पार करने दे। चढ़ावे तक पहुँच ही नहीं पाए। क्या कहा? इमेल्डा दादी। ये भाई तुम्हें शराब मिला है। क्या श्रद्धांजलि दिवस दादा का है? उस हिसाब से मेरा उस पे ना, हाथ ना, है। ना, 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 हमारा को... भाई सुनो, ये रूही फरिश्ता किसका है? ये तो दांते वो भी है। मुझे आँखें, इससे एलर्जी है। कि मैं उस पार क्यों नहीं जा सकती? वो... अब चूंकि ये फैमिली मैटर है तो शराब और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। किंतु परंतु सूरज आशीर्वाद ले लो। पंखुड़ी पंखुड़ी कहाँ पर है? इसकी तरफ देखो और इसका नाम लो। मिगेल आशीर्वाद दे। दूर रहो। क्या ये ऐसा नहीं कर सकती? जिसका कंकाल गायब। मेरी लाइफ है, आप तो अपनी जिंदगी जी चुके। पत्नी विक्टोरिया दादी। फिजूल की जिद मत चुनोगे, छोटा मत करो। बाथरूम रह गया तो वो कहना कि जोर की आई है। परिवार जीते जागते लड़के को ढूंढ रहा है। म्यूजिशियन बनने के लिए म्यूजिशियन का है। अरे वो जिंदा लड़का मिल गया। एक मिनट बंधु। ये सुन के कितना सुकून मिला है क्योंकि देता है। तो सुनो, अगर तुम मुझे पुल पार करा दो तो बदले में स्टीच भी ले जाऊंगा उससे मिलवाने। बस वो पुल पार करवा दो यार। मन तो करता है कम से कम भाड़े के कपड़े तो लौटा दो। नहीं उसको जानते हो? कौन पूछ रहा है ये? अरे तुम जिंदा हो? पर क्या? हाँ तो तुम जिंदा लोगों की दुनिया में जा रहे हो। रहने दो, कितनी खुशी हुई। ये लीजिए, देखो देखो मुझे काटता नहीं यार। यहाँ हल्का सा माथे पे ये ठीक है। लोग जिन्हें याद रखते हैं उनकी तस्वीर चढ़ावे पे रखते हैं तो वो पुल पार करके। ये तुम हो? हाँ तो हीरो लगता हो ना। तो एक दिक्कत है, डेला क्रूज तक पहुँचना बहुत मुश्किल है और मुझे पुल को जल्दी टपके कोई तो टपक के यहाँ भी पहुँचाओगे। सिर्फ डेला क्रूज मदद नहीं कर सकते। ये काम इतना आसान नहीं है समझे, वो बहुत ही बिजी रहता है। बस करो। वाह अर्नेस्टो डेला क्रूज, हमें वहाँ ले जा सकते हो? तुम तो पुलिस को आगे की सीट दे रहे थे। वो हेलो महान रूहानी कुत्ता, भटकती रूहों का फरिश्ते। रूही फरिश्ते कोई भी रूप ले सकते हैं, जितने खुफिया हो वैसे कुत्ता ही है। आइए चलिए कुछ दिखाते हैं। बड़ा सा पपीता,
उस पपीते में से और वो भी हम ही हैं और उसका दूध दूध नहीं। अगर म्यूजिक होता तो और अच्छा होता। ओ कुछ ऐसा टाइप का म्यूजिक तुन 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 तुन। और फिर हम अचानक आग लगा दें। डांसर्स लौटेंगे, म्यूजिक हल्का होगा, बत्तियां बने गाएंगे, सूरज उग जाएगा, सब तालियां बजाएंगे। एक्सक्यूज मी मिगेल, अचानक आएगा भला कोई अपनी रिहर्सल कैसे मिस कर सकता है? उनको अपना दोस्त भी। अरे कमाल का पार्टी होता है, लेकिन वही जा सकता है जिसका नाम मेहमानों का। तुम्हें नहीं पता? अरे ये बड़ा मशहूर है। अच्छा चलो चलो, इससे पूछो। हंसा वसा नहीं था, ये सब अफवाह है। मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी। अर्नेस्टो तक पहुँचना है तो डेला क्रूज चौक के म्यूजिक कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले लो। कोई ऐसा है जो गिटार दे सकता है? वेरा का जूता है, 7 नंबर का, 7.5। चम आखिर ये भी कोई काम है? बेसुरा क्या समझेगा? तो हमें गिटार। जल्दी चलो मुन्ने जल्दी। हे, कैसे हो भाइयों? अरे है क्या चीर ना वो परिवार जिससे मिल पाए, तकरीबन भुलाए जा चुके हैं। अरे मौसी जी, खाने के मूड में नहीं लगता। अरे जब मूड हो खराब तो उसका कैसे हो चाचा जान? लेकिन बात ये है कि मुझे और मेरे दोस्त मिगेल को वैसे ही जैसे आज तक तुम मेरी वैन लौटा रहे हो। क्या मेरा मिनी? ओ आप ठीक तो है ना? मैं मिट तुम ही खुशी। सिर्फ आपकी तरह से पता है। कितनी सुंदर ये याद से मारे कौवे सी है मीठी जुबान। गर मैं होता बाका पुरानी यादें ताजा हो गई। तो ये दुनिया भी छोड़नी पड़ती है, हम इसे कहते हैं घर जाने के बाद उन्हें याद किया करूंगा। नहीं, तुम्हारे याद करने से कुछ नहीं, लेकिन चचा के किस्से को सुनाने वाला उस दुनिया में कोई नहीं बचा। ये बताया कि म्यूजिशियन से नफरत है, ये नहीं बताया कि तुम खुद अर्नेस्टो डेला क्रूज को सिखाया दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिशियन को। डेला क्रूज चौक पे तुम्हारा स्वागत है। टी-शर्ट्स, खिलौने, साहिबान। जीतने वाले को मौका मिलेगा उस्तादों के उस्ताद सरों की जंग छेड़ी जा। नहीं नहीं वो वाला नहीं यार। पर क्यों? वो सबसे मशहूर गाना वही है। वही तो। अच्छा तो परफॉर्मेंस से पहले इतना ही घबराते हो क्या? पता नहीं, ये खेल नहीं है। ना ना ना, तुम्हें जीतना होगा मिगेल। तुम्हारी जिंदगी मैं भी नहीं गा पाया तो किस मुंह से खुद को एक म्यूजिशियन कहूंगा? पर घर तो जा पाओगे। ओ, इसे कहते हैं खुददारी दिखाना, वो भी एकदम गलत वक्त पे। घबराहट को झटक दो। ठंडक पड़ गई। ठीक है मिगेल, मेरी तरफ देखो। हे हे, मेरी तरफ देखो तुम कभी। अरे कहां से किसे उठा रहे हो? कहो तर मीठा समंदर हुजूर है हुजूर। हाँ थोड़ा सा पगला माना, पहेली हूँ मैं छोटी। ताल में हो कंकाल। और तुमने भी तो दिखा दिया कमाल। नाटी कहीं है, ढूंढो उसे। अन्ना है मुझे पागल तेरी आँखों। एक नजर इस दीवाने को देखो। हम एक जिंदा लड़के को ढूंढ रहे। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। क्या पागल हो गए हो? जीती हुई बाजी छोड़ के जाओ। उसका नाम है मिगेल। आज ही अपने तुम्हारा एक लौता रिश्तेदार, सिर्फ वही तो मैं वापस घर भेज सकता है। मेरे और देखो मुझे, मेरी यादें मिट रही हैं मिगेल। पता नहीं मैं कल सुबह तक बचूंगा भी या नहीं। छोड़ो मेरा हाथ, इससे मैं तुम्हारी भलाई है। तुम ये सब मेरे लिए नहीं, अपने मिगेल।
कहाँ चले गए? चौधरी क्या कर रहे हो? मत जिंदा लड़का है। अरे इसके बारे में तो सुना था, ये तो जिंदा है। अब चाहे आपको तो म्यूजिक से नफरत है ना? ओ दीदी, सब कुछ भुला कर गाती थी, लेकिन मुझे एक परिवार चाहिए था और उसे सिर्फ। लेकिन मुझे किसी एक को नहीं चुनना, आप मेरा देंगी। तारा पाजी, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। स्टेज पे आग लगा दी। आपने भी वैसे म्यूजिक के नाम पे। आई हो। थैंक्स दोस्तों। जाओ। देखो वो रहा अर्नेस्टो। उसे हासिल करना चाहिए। लेकिन मैं कर नहीं क्या सकती हूँ, कोई रास्ता नहीं है। हिम्मत मत हारो। सुनो ना मेहरबानो, मेरे प्यारी छाई है इतनी खुशियाँ, मेरे गीत में मेरे अपने मेरी दुनिया। तुम ठीक तो हो ना बच्चे? से यहाँ आए हो? आप मेरे बारे में जानते हैं? यार मैं आपका पर पोता हूँ। क्या की तरह बाकी परिवार वालों को इस... मैं चाहकर भी नहीं रोक सकता। देखो ये तो तुलसी कांत, न्यारे लाल इससे मिलो। ये डिंपल गायब। डिंपल गायब दोस्ती की खातिर करता था। कहना इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं कि रखने की जगह कम पड़ती है। कि मैंने हमेशा आप जैसा बनने का सपना देखा है, ये सब कुछ छोड़ने के फैसले पे। फैसला मुझ हाँ, पर और कोई रास्ता? मेरी तरह म्यूजिशियन ही बनोगे, रिश्ता पूरी दुनिया से है। भी मेरे साथ शो पे चलो, तुम ही बनोगे मेरे शो के चीफ गेस्ट। सच के? पहले वापस जाना होगा। ओहो वाकई? तुम्हारा घर जाने का दिल तो नहीं कर रहा मिगेल, उम्मीद है तुम यहाँ जल्द आओगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता। तुम वादा तोड़ रहे हो। तुमने कहा था मेरी तस्वीर ले जाओगे, तुमने वादा किया था। हेक्टर मेहरबानी करो, मेरी वजह से तुम मशहूर हुए। क्या? मेरी यादें इसलिए मिट रही हैं क्योंकि तुमने किसी को बताया। ये सब मुझसे हालात ने करवाया, हम दोनों की जोड़ी बेमिसाल। कलाकार का नाम मिटा के ये वाकई मिलकर तस्वीर रख देगा और मैं पुल को पार कर पाऊंगा अपनी बेटी से। और तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए जमीन और आसमान एक कर सकते हो। जॉन हिडाल्गो का डायलॉग है डेला क्रूज की पिक्चर में। दोस्त अपनी दोस्ती के नाम, दोस्ती की खातिर। घर की याद आई तो गानों का सिलसिला रोक दिया। तुम्हारे गानों के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं घर जा रहा हूँ अर्नेस्टो। नहीं सकता, अगर जाना ही है तो मेरे साथ। मेरे साथ जमीन और आसमान एक कर सकता हूँ मेरे दोस्त। चीयर्स। अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा, मुझे लगा कुछ खाने की वजह से हो रहा। आंखें खुली तो यहाँ था। हुआ था पर हकीकत में नहीं हेक्टर। आज तक मुझे यही लगता। ले जाओ इसे यहाँ से। मुझे माफ कर दो बच्चे। तो हम मिगेल नाम और इस... आपने गानों के लिए हेक्टर को मार दिया। सब जानते हैं आप तो असली हीरो हैं। मेरा आशीर्वाद। लेकिन मैं आपका पोता हूँ। और हेक्टर मेरा जिगरी दोस्त। बस मंजिल हासिल करो और तुम तो ये देख। नहीं, नहीं।
अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए था। सबने समझाया था कि बेकार चढ़ावे की जरूरत नहीं। शांत हो जाओ मिगेल। मेरी बेटी तो मुझे सेंटा सिसिलिया छोड़ के जाना ही नहीं। कोशिश कर रहे थे कि वो उसे दिलो जान से चाहते। कोको दादी कोको है और ये पर दादी एमेल्डा। हम दोनों एक ही परिवार से। ये तस्वीर रखेगी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस दुनिया में मिले लूंगा, उसे अपने सीने से लगा लूंगा। आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे। और मैंने उसके लिए गाना लिखा था। हर अगर किसी तरह उसके लिए गाने का मौका मिल जाए। ना कहना होगा अलविदा, चाहे तुमसे मैं जाऊं दूर। टेका जब ये हाथ ना भूलना, पर को मेरी जाना ना भूलना। डेला क्रूज को नहीं। मैंने वो गाना दुनिया वालों के लिए नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? कब से परेशान था कि मैं एक खूनी का सबसे अलग है। पर पता नहीं था वो मुझ में आई कैसे। मुझे नाज है मैं इनका पोता हूँ। और मुझे नाज है कि मैं इसका दादा हूँ। दुबली लग रही हो। अच्छा हुआ वक्त पे तुम मिल गए। और मैं न परलोक में बरसों तक परिवार पे तुम्हारी करतूतों का असर पड़ने नहीं। वहाँ मेरी वजह से पहुँचे, वो तो मुझे घर जाने को कह रहे था। मुझे आपका आशीर्वाद मंजूर है ताकि वो कोको दादी से मिले। दादू की भी तस्वीर लगनी चाहिए। वो ये सच है एमेल्डा? ये सच है तो क्या दादू? भूल के लिए माफी मत दो। दीदी हेक्टर चाहती थी कि कोको मुझे माफ कर देना एमेल्डा। तो तुम सीधे घर जाओगे लेकिन गाना बजाना बंद। तुम्हें माफ नहीं कर सकती मुझे। मेरे पास एक आइडिया है। अपना ख्याल रखना। थैंक्स। लाओ मैं मदद कर देता हूँ। मुझे हाथ मत। अब पता करते हैं कहाँ है पत्ता खून करने के लिए। किसकी बात कर रही हो? ये मेरी वो मारने की कोशिश करने के लिए। कौन सा पोता? ये मेरी बात कर रही है। तुम पीछे गलती हो गई हो। मैंने भी सुना था। चलो जल्दी करो। कहो ना मेरी जान मुझे। कहो ना कहो चाहे जा ही रहे ना जीना नहीं। कहो ना मेरी तेरे अब मेरी जान चैन तेरे जीना नहीं बिन। वही अंदाज है। अरे
वापस जाओ, हम दोनों की तस्वीरें रखो, हमारा परिवार तुम्हें बे इंतहा चाहता है। नहीं नहीं जाएगा। इमेल्डा पीछे रहो। अर्नेस्टो रुक जाओ, जो इसे तुम्हारी तस्वीर के साथ जिंदा लोगों की दुनिया में जाने दो। तुम्हारी याद फेमस म्यूजिशियन है, तुम वो हो जिन्होंने उनका खून करके उनके गाने चुराए। नहीं Orchestra, a one, a two, a one. देखो। दादू। वो कोको। नहीं, मैं जाके वो तस्वीर ढूंढता हूँ, लाने का वादा किया था। दोनों का वक्त खत्म हो गया। दादू। अब तो मैं आशीर्वाद देते हैं। गिटार कहाँ से लाए? मुझे सुन रही है ना? मैं मिगेल हूँ, तो वो मिट जाएंगे हमेशा के लिए। देखिए ये वही है। कोको दादी प्लीज उन्हें मत भूलिए। सब ठीक है। इतने बदतमीज कब से हो गए हो? अब हम सब साथ हैं, इससे ज्यादा और क्या। माफी मांगो, मांगो माफी। माँ रुको। ना ना भूलना, ना साथ गाओ ये गीत। मन से है रही ये समझ ना पास हो तब तक। ना भूल नहीं, मेरे पापा मेरे लिए ये करते थे। मेरे लिए लिखी कविताएं भी और पापा संगीतकार थे। जब मैं बहुत और इस तरफ है सांता सिसिलिया का बेशकीमती खजाना। ये सारे चहीते गानों के बोल मिलेंगे, ना भूलना के अलावा। और दादी और विक्टोरिया दादी और वो दोनों हैं दादा ऑस्कर और पापा। जो साथ हुआ पूरा संगीत, रग रग झंझनाए ताल, ऐसी कोई इस दिल की धुन गुजेगी चरो। इस दिल की धुन गुजेगी चरो, छूटेगी ना ये गीतों की डोरो। संग हम गाएंगे अपना रुकेंगे साथ, इस दिल की धुन गुजेगी चरो। Remember me, don't let it make you cry, for even if a night we are apart, remember me, set your charge, know that I'm with you, remember me. Recuérdame, si en tu mente voy en mi corazón y te acompañaré. Music play, keep our love alive, I'll never fade away. Music play.